ये तिरंगा झंडा भी हम आदिवासी के लिए कोई न्याय और कोई इंसाफ नहीं देगा, इसलिए झंडा को आप रखो, जहाँ अच्छा लगता है वहीं पर लहराने बोलो, हमको मत दो झंडा, क्योंकि हम गुलाम देश पे रह रहे हैं। वैसे दिल्ली में मेरा बहुत बड़ा एक वो है कि मेरी अरेस्ट दिल्ली में ही हुआ था और मुझे यहीं से अरेस्ट किया है। मैं बस्तर में रहने वाली एक छोटी छोड़ी के रूप में अब जानी जाती हूँ, पर उससे पहले 2011 में थी, जब 2011 से पहले टीचर के रूप में जानी जाती थी। एक शिक्षिका उस इलाकों में एक शिक्षा दिया करती थी ऐसी बच्चों को कि मेरे को इस बात की बहुत खुशी थी, मैं एक आदिवासी टीचर हूँ और अपने समुदाय को इतनी बेहतरीन शिक्षा दे के उनको आगे मैं बढ़ाऊंगी। लेकिन ऐसा मेरे तकदीर में कुछ और ही लिखा था, सरकार ऐसी सरकार रहते हुए हम जैसे को ऐसा करने का मौका कहाँ से दे, वो नहीं दिया। लेकिन मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो तो बात आप सबको पता ही है कि क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ पूरे भारत देश के नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हों, चाहे हिंदू हो, दलित हो, मुस्लिम हो, चाहे आदिवासी हो, पिछड़ा वर्ग हो, सबसे मेरा ये सवाल है, क्या आज क्या हम आदिवासी आखिर इस देश के नागरिक हैं या नहीं? ये सवाल पूरे भारत देश के लोग हमको बताए कि हम भी इसी देश के नागरिक हैं ना। इसलिए मैं ये कह रही हूँ क्योंकि ऐसा कब तक होते रहेगा, हम आदिवासी के ऊपर जुल्म होते रहे। बस्तर में से कितने नरसंहार हुआ है, सलवा जुड़ुम को देखो, सलवा जुड़ुम में कितने आदिवासियों को, अनगिनत लाखों लोगों को मार दिया गया, घरों को जला दिया गया, कितने को अपना बस्तर छोड़ के दूसरे राज्यों में जाके बसना पड़ा। उसके बाद सलवा जुड़ुम के बाद भी आज भी वो नरसंहार खत्म नहीं हुआ। चाहे तारबल्ला में देखो 10 आदिवासी को मारा गया, उसमें कैसे हमारी महिला बहने थे, उनका बलात्कार किया गया पहले, उसके बाद गोली चलाई गई, वो भी बलात्कार कैसे किया, पहले टांगों में मतलब गोली चलाई गई, जब वो बच्चे गिरे, मेरी महिला बहन लोग गिरे, तब उनको चीखते चिल्लाते रह गए, हर परिवार वाले अगल बगल में खड़े हुए, लेकिन पूरी बंदूक के नोक पे उनकी बलात्कार होती है, फिर उस पर गोली चलाया जाता है। वही यही उनका तुम में हुआ और यही हमारे बेलम नर्रा पद्दा गेलू हर जगह में कितना बात होता, बताऊंगी तो ये बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। लेकिन आज मैटर है गोमपाड़ का, ये वही गोमपाड़ है जहाँ लक्ष्मी आई हुई है, इड़ में जो थी वो गोमपाड़ की थी और वो शादी करी थी, शादी करके अपने माता पिता के घर आई थी, इड़मे को अपने घर से ले जाके उनके माता पिता के सामने उठा के ले गए और एक जंगल में ले जाके उसके इतनी बेरहमी से चीखते रही चिल्लाते रही, बलात्कार हुआ, उसके बाद गोली चला के बताया गया ये नक्सलवाद। आज भी वो माँ बैठी है यहाँ और वो न्याय मांग रही है। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में क्या बोला, इड़मे की मतलब बोला गया इड़मे लक्ष्मी की बेटी इड़मे नहीं है, ये कह के उस बात को खारिज कर दिया। आप बताइए ऐसा होता है क्या? पर दूसरा जज ने क्या कहता है, नहीं हम बोले उनका वो टेस्ट कराइए इड़मे की भी, इड़मे उसकी माँ है या नहीं है, तो बोले कि नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और उसकी टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा गांव जाता है जानता है इड़मे कौन है किसकी बेटी है, तो वो ऐसी दुखित महिला है, ये करके एक जज कहता है, दूसरा जज कहता है उसकी बेटी नहीं है, बल्कि उसको खारिज कर दिया। अब वो भी सुप्रीम कोर्ट में लग रहा है उस केस के लिए, पर ऐसे कब तक? अब गोमपाड़ की मैटर को क्या बताया गया कि नहीं ये सब फर्जी केस है, इमासु सर ने जो आदिवासी की केस को झूठा केस लगा के तो कोर्ट की समय को बर्बाद कर दिए हैं, ये कहा कि उन पर 5 लाख का जुर्माना टोकते हैं, अगर 5 लाख रुपया नहीं दे तो उनको जेल डाल। अरे वो क्या जेल डालेंगे, उनकी क्या हिम्मत है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो क्या हम डर के रहेंगे? अगर वो जज हमारे ऊपर ऐसी केस का ऐसी जजमेंट का डर के रहेंगे? नहीं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, जेल तो बिना भी हमारे ओर से हमको जेल डाला ही जा रहा। और आप सबके सामने मेरा एक सवाल पूछना है, इस बच्चे का कौन उड़ेगा, ये बच्चा क्या किया था, ये बच्चे के लिए हाथ काटे गए, क्या देश के लोगों को इतना भी अक्ल नहीं है, आज इसकी आवाज क्यों नहीं उठ रही है, क्या ये बच्चा उसका बच्चा नहीं है, जो जज इस तरह का फैसला दिया उनको इतना अक्ल नहीं, एक बार बोल देते कि उसको जांच होनी चाहिए, जांच होती ये बच्चा आपके दिल्ली में नहीं रहता, पढ़ने वाला बच्चा है, हमको दुख हो रहा है उस बच्चे को ला के बताना पड़ रहा है, क्यों ये बच्चे को यहाँ ला के बताने की जरूरत नहीं थी हमको, ये बच्चा अपनी जिंदगी वही पर रह के जीना था, इनको तो ये था कि वो स्कूल में रह जाता और वो लड़ाई में हम ये बताते उस बच्चे के लिए जो केस डाले जांच के लिए, बहरहाल हमको बहुत दुख है।
आज मैं इस बच्चे से पूछ रही थी, बेटा आपको दिल्ली में ये खिलाना क्यों पड़ा पता है? मुझे नहीं पता था, इनके पिता ने इतने साल तक माँ बन के पाला, पिता बन के पाला, सब कर, लेकिन वो पिता उनको कुछ नहीं बताया था। अब यह बच्चा जान गया, और इस बच्चे के लिए क्या खतरा नहीं है बस्तर में? अब हमको इस बात की डर हो रही है, हम दिल्ली से तो लौट के जाएंगे इस बच्चे को लेके, लेकिन जहाँ ये बच्चा पड़ेगा वहाँ पता नहीं पुलिस कितना बड़ा यातनाएं देगी। और वो ये भी बोल सकती है पुलिस, आज वो तीन उंगली तुम्हारे काट दिए ना, तुम दिल्ली जाके बता के आए हो, अब तुम्हारे बच्चे कुछ दो उंगली भी काट देंगे, क्या कर लोगे? इस बच्चे को इस तरह का मानसिक टेंशन और शारीरिक टेंशन भी दे सकते हैं। और इसके लिए इस देशवासी से पूछूंगी, इस बच्चे के लिए क्या बचाव के लिए कौन लड़ेगा? इस बच्चा को मानसिक टेंशन नहीं देंगे इस बात के लिए कौन इसकी जिम्मे, कौन इसका रिस्क लेगा? ये होगा और ऐसा ही होगा, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मतलब हम देखते आ रहे हैं कि कैसे स्थिति से है। आप सबके सामने सवाल इसलिए रखे, वो बच्चा का इसकी सुरक्षा के लिए आप पूरे भारत देश से मेरी अपील है, सुरेश की सुरक्षा के लिए पूरे देश के लोग खड़े हो जाएं, ताकि उस बच्चे को भविष्य को हम बना सके। जो पल उसका बचपना में दो दर्द को झेला है, उसकी उंगली काटी गई, माँ को मार दिया गया, उसकी नानी को मार दिया गया, नाना को मार दिया गया, उसकी मौसी को मार दिया गया, उसके बाद उसकी मरे हुए माँ के ऊपर इसका इसको फेंक दिया गया उंगली काट के, सोच लो कैसा पल रहा होगा। वैसा एक बहादुर बच्चा, ऐसे बच्चे को अवार्ड देना चाहिए, ऐसे बच्चे बहादुरी का उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने क्या किया ऐसे केसेस लड़ने के लिए? उन्हीं को कटघरे में खड़ा करके बोल दे रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये बच्चा कभी भी बड़ा हो के अगर अपने लिए लड़ना चाहे तो इसको जेल ही डाल देंगे। तुम झूठ बोल रहे, तो फिर उसका उसकी उंगलियों को काटा कौन? ये सवाल का सवाल ही रह जाएगा, इसका जवाब कहाँ से लें, कैसे लें? अगर सोनी सोड़ी के साथ भी क्या हुआ? मैं तो टीचर बन के बहुत बेहतरीन अपनी जिंदगी दे रही थी, लेकिन मुझ पर इतनी बड़ी करंट शॉर्ट क्यों दिया गया? मुझ पर इतनी मतलब इतना क्यों दी गई? मेरे गुप्त अंगों को क्यों पत्थर डाला गया? क्यों इतनी बेरहमी से पत्थर डाल के मुझे बेरहमी के साथ पूरे कुचल के मेरे को जेल के अंदर, गेट में चलने लायक नहीं थी उस गेट में, मुझे एक जिंदा लाश बना के मुझे जेलों के अंदर डाल दिया गया। ये क्या है, ऐसा क्यों? और आज बताइए 12 साल बाद जिस केस के लिए मुझे जेल डाले, जिस केस के लिए जो मेरे शरीर के साथ पत्थर डाला गया, कितनी बेरहमी शर्म सर मेरे साथ क्या हुआ भाई जानती, मेरा आत्मा जानता, मेरे साथ उन दिनों रातों में क्या हुआ था, उस रात में कैसे हरकतें मेरे साथ किया गया, मेरे दिल में रह गए ना। लेकिन आज बता 12 साल बाद मैं बाइज्जत रिहा होती हूँ। रिहा होने के बाद क्या बोलती है सुप्रीम कोर्ट? मेरा केस को खारिज करते हैं। क्या बोल रही है? नहीं, अब सोनी सोनी के ऊपर छत्तीसगढ़ में कोई केस नहीं है, अब उस केस में नहीं, इस केस को खत्म किया जाए। अरे अगर मेरे पर अगर छत्तीसगढ़ चलाया ना 12 साल, उस 12 साल तक मैं जेली, आज भी मैं जॉइनिंग नहीं मिली, आज भी मैं टीचर नहीं हूँ, आज भी मैं इस रोड में अपने समाज में उसके बीच में लड़ रही हूँ, लेकिन 12 साल बाद वो वक्त कौन देगा? और इतने आसानी से बोल दिया, लेकिन मेरे अंदर शरीर में जो पत्थर डाले, जो घिनौने तरीके साथ मेरे साथ जो हरकत किए, उसको कौन लौटाएगा? क्या ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखता? ये कोर्ट नालाई को नहीं दिखता? क्यों नहीं दिखता है? क्या हम आदिवासी इसलिए? क्यों, कब तक ये चलते रहेगा? और रही सवाल आज बच्चों, लास्ट में मैं बोलना चाहती हूँ, आप पूरे देश में तिरंगा झंडा फहराने के लिए पूरे देश उत्साहित है, आप सब लोग ना, आपके सारे के दिलों में ये बातें चल रही है। अरे आप 15 अगस्त को बेहतरीन तिरंगा, इतनी ऊंची ऊंची दिल्ली में झंडा फैला लहराया जाता है, हमारी तो इतने बड़े बड़े उसमें सब लोग उत्साहित करा जाता है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ हम आदिवासी तिरंगा झंडा फहराए भी तो क्यों, किस लिए पहराए? सबसे बड़ा उदाहरण है, वो बैठी है यहाँ पे इड़मे की माँ लक्ष्मी, पता है इस महिला ने, मेरी ये लक्ष्मी दीदी ने, जहाँ इलाकों में रहते, बात सच है, नक्सल नहीं है नहीं कह सकते, नक्सल अपने जंगलों में उधर बस्तर में है, लेकिन वो अपनी लड़ाई अपनी जो एक संगठित करके वो कर रहे, उससे हमारा क्या लेना देना? उन इलाकों में लक्ष्मी बहन ने पहली बार बोल रहे थे बड़े बड़े बातें तो करे कि इसने साल बाद वहाँ तिरंगा झंडा फहराई। क्यों पहराई? इसलिए पहराई, वो ये बोली कि नहीं, अगर मैं तिरंगा झंडा को पहराती हूँ और मैं अपनी न्याय के लिए पुकारती हूँ तो मुझे न्याय मिलेगा, मेरी बेटी को जो मारे हैं बेरहमी से हत्या की है तो इंसाफ मिलेगा। इसीलिए वो नक्सलगढ़ में और एक महिला होके इधर बंदूक के नोक से जाके बता रहे हैं कि हम नक्सल को ये करना है, तो कुछ बाल बाका नहीं कर सके नक्सल का, लेकिन लक्ष्मी बहन ने उनके बीच में एक तिरंगा झंडा को पहराई और इतनी लहर के साथ पहरा के पूरे लोगों के बीच पहरा के अपनी ताकत दिखाई, वो इसलिए कि न्याय मिले। लेकिन अंत में झंडा को उतारी, वो रखी, रख के अपने पास बहुत सुरक्षित रखी थी, और मेरे
बहन से एक बात बोलती है, सोनी दीदी जिस दिन मेरे को कोर्ट नहीं देगा ना उस दिन इस इलाके के चारों तरफ तिरंगा झंडा की लहरों की तरह पूरी जगह में तिरंगा झंडा लहरावा दूंगी, यहाँ कोई काला झंडा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, ये मेरा वादा, इसलिए मैंने पहराया एकर को झंडा रखी। लेकिन 2018 में मैं जाती हूँ उसके पास तो कितने 15 लोग नुलका तोंग में इतने को बेरहम हत्या कर दिए गए, मार डाला गया, चिल्लाते रहे, चीखते रहे और पूरे मेरे आदिवासी भाइयों को मारने के बाद जब मैं उसके वहाँ गई गोमपाड़ से कुछ ही दूर था, जाने के बाद ये लक्ष्मी बाई ने मेरे को बोलती है ये रख अपने तिरंगा झंडा, ये बताती है ना कि ये तिरंगा झंडा हमारे देश का संविधान को सिखाता है, इस देश में हमारा तिरंगा झंडा फहराना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इस तरह से हम लगे लड़ेंगे लीगल रूप से लड़ेंगे तुमको न्याय मिलेगा इंसाफ मिलेगा बोले थे ना, मेरी बेटी को तो न्याय नहीं मिला। लेकिन ये बताओ तो आज 15 लोगों को क्यों मार डाला गया, किसने मार डाला गया, इसका जवाब दोगे? ये तिरंगा झंडा भी हम आदिवासी के लिए कोई न्याय और कोई इंसाफ नहीं देगा, इसलिए झंडा को आप रखो जहाँ अच्छा लगता है वहीं पर लहराने बोलो, हमको मत दो झंडा, क्योंकि हम गुलाम देश पे रह रहे हैं, हम आदिवासी गुलाम हैं, हमको कोई आजादी नहीं है, किसी तरह का आजादी नहीं है, चाहे जंगल जाओ चाहे अपने घरों में रहो किसी प्रकार की कोई आजादी नहीं, जहाँ हम आजाद महसूस नहीं कर रहे हैं तो अब क्या करें, ये हालत है साथी लोग, बस्तर की इस तरह से चीजें हो रही है। मेरा ये सवाल है विकास के लिए हम कभी नहीं रुके, बार बार मोदी जी सरकार सब जगह बातें आती है हम विकास कर रहे हैं आदिवासी की विकास कर, अगर आज मेरे आदिवासी घुटने में अगर तक कपड़ा पहन रहे हैं नीचे तक कपड़ा पहन विकास है, अगर ये कह रहे हैं कि नहीं वहाँ रोड बनाने नहीं दे रहे पुलिया बनाने नहीं दे रही है, वो ये नहीं बोल रहे हैं कि आप रोड नहीं बनाओ पुलिया नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कानून के दायरे में दिया गया ग्राम सभा, ग्राम सभा के तहत आप लोग उससे पास करके आप रोड बनाइए, आपको जोर चाहिए बनाइए, जैसे कैंप लग रही है ग्राम सभा के तहत, ग्राम सभा से पूछा जाए ये कैंप लगाना जरूरी है कि नहीं, वहाँ के लोग तय करके देंगे, उसके बाद आप कैंप भी लगाओ रोड भी बनाओ पुलिया भी लगाओ, लेकिन वो नियम का पालन करते नहीं, इस कानून को बिल्कुल मानते ही नहीं है, तो कैसे इस बात को अगर आवाज उठा कर हमारे लिए कानून दिया है पैसा कानून एक्ट की बातें कर रहे हैं ग्राम सभा की बातें करे, क्यों आज इड़मे जो है और एक इड़मे जो जेल में बंद है, वो इड़मे एक नंदराज पहाड़ के लिए फाइट की थी लीडर बनी थी, वो इसलिए बोली थी कि हमारे पेड़ पौधे मत काटो, वहाँ कुछ ने तो 50-60 हजार पेड़ कटे गए थे, उसके लिए 25-30 हजार आदिवासी लड़े उस जंगलों को बचाने के लिए, उसको जेल में डाल दिया यूएपीए द्वारा लगा के, तो कैसे क्यों हमारे पेड़ पौधों को बचाने का अधिकार नहीं है, हमारे जल जंगल को बचाने का अधिकार नहीं है, क्या ये जल जंगल जमीन बच रही है तो क्या हमारे लिए देश के लिए नहीं है, आखिर हमारे आदिवासी जंगलों में अपनी स्वतंत्र रूप से रहना चाहते क्यों नहीं, अगर मेरे आदिवासी को एक प्लेट पकड़ा के बोल रहे हैं गिलास पकड़ा के बोल रहे हैं नहीं ये विकास है अब ताली में का, अरे नहीं कहना है हमको ताली नहीं पीना है तो गिलास फूटे, क्योंकि हमारे जंगलों में ऑलरेडी सब चीज बना हुआ है, पत्ते तोड़ते हैं हम डोनी बना के खा लेते हैं, लकड़ी में जंगल जाते हैं लकड़ी आ जाए, गैस की जरूरत नहीं है हमको, हमको जो हमारी धरती की जरूरत है जो हम लोग को जंगल की जरूरत है जो हमारी प्रकृति की जरूरत वो हमको दे दो ना, उसमें हमको अपनी आजादी के साथ रहने दिया जाए, फिर नक्सल के नाम से हमको कब तक मारते, इस तरह चीजें हो रही है और ये और कितना हम बताएं, लेकिन हम सब पूरे देशवासी और आप सबके माध्यम से, लेकिन गोमपाड़ में जो चीज हुआ है उस बच्चे के लिए न्याय, और सोड़ी समूह अभी आई है वो भी बताएगी, अगर वो बलात्कार होता है हम महिला बहनों के साथ तो क्या होता है, पहले तो उनकी इतनी बेरहम से बलात्कार करते हैं उसके बाद उनकी नाक काट दी जाती है, उसके चेस्टों को काट दिया जाता है, आग काट दिया निकाला जाता है और उसके गुप्तांगों में पत्थर डाला जाता है, उसके गुप्तांगों को पाड़ दिया जाता है, ये क्या इस तरह से बलात्कार, इसीलिए मेरे आदिवासी महिलाएं बस्तर के ही बोलते दीदी हम मरना पसंद करेंगे लेकिन बलात्कार नहीं होना चाहिए, बलात्कार नहीं होना चाहिए, लेकिन रोके कैसे, हम भी तो उसी पीड़ा से गुजरे हैं, उसी अंधेरी रात में कितना चीखती रही कितना चिल्लाते रही कितना उस तरह से कही, लेकिन इतना बड़ा अधिकारी मतलब ये क्या ये एसपी अंकित गर्ग क्या किया मेरे ही उसके अंधेरे रात में आके पूरी मेरे साथ क्या किया क्या नहीं, आज मुझे मेरे दो सोनी सोड़ी बन चुके हैं, मेरे अंदर में दो सोनी सोड़ी पैदा, एक सोनी सोड़ी आज भी तड़प रही है न्याय के लिए, दूसरी सोनी सोड़ी अब लड़ रही है और उसको मैं न्याय नहीं दिला सक रही हूँ उस सोनी सोड़ी को, लेकिन आज एक सोनी सोड़ी लड़के बोल रही है कि क्या हुआ कैसा हुआ, लेकिन उस सोनी सोड़ी को न्याय दिलाने के लिए इस भारत देश से मेरा ये पूछना चाहती हूँ उसके लिए कौन लड़ेगा, वो तड़पती हुई बोलती है मुझे न्याय दिला कब दिलाएगी मेरे को, मेरे साथ ये हुआ है ये हुआ, वो सोनी सोड़ी मेरे दिलों में है, आज दो सोनी सोड़ी बन के मैं आज भारत में इस जगह पे सब समुदाय के लिए करती हूँ, लेकिन इतना तय है जब तक जान रहेगा त
तब तक तो हम लड़ते रहेंगे। जेल तो क्या, जेल जाओ तो, जेल जाने के बाद तो और ही हमारा परिवार है। इसीलिए पूरे पूरा भारत देश में इतने जो राजसत्ता में बैठे हैं उन सारे से मेरी यही है कहना चाहती हूँ, सोनी सोड़ी को आजार किया क्या? सोनी सोड़ी जब कई जगह बस्तर में पैदा हुए, पता है शुरू में जब मैं यहाँ से मतलब दिल्ली से होके मैं जब चले गई हूँ, जब मेरी पूरी जमानत हुई तो पुलिस ने चारों तरफ घेरा मुझे और एक जंगल में, और बोलने लगे, मन तो लगा कि इनसे डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए, चारों तरफ घेरे और बोले सुनो अभी आपको पूरी गोलियों से हम भून देंगे। तो मैंने एक ही बात बोला, क्योंकि इसलिए आप लोग के बात बोले, कभी डर को निकालिए, जिस दिन डर निकलेगा तो कुछ नहीं होगा, आप अकेला भी हजारों के बराबर होंगे, इसलिए अपने डर को भयभीत को बाहर निकालिए। तब मैंने एक ही बात बोली थी, ठीक है आप मारिए जितना गोली चला सकते मेरे पर चलाइए, लेकिन मेरी एक शर्त है, एक मेरा आपसे अनुरोध है, क्या? तो कौन सबसे पहले गोली चलाएगा उसका चेहरा बस मुझे देखते रहने दीजिए और गोली चलाइए, चलो चलो। तो बाद उनकी बंदूक के पीछे हटते गए, तब मैं समझ गई ये कायर हो के बंदूक के नोक पे क्या हमको डराओगे, नहीं डरने वाले हैं हम, बिन बंदूक से विचार से क्रांति लाएंगे और विचार से लड़ेंगे, ये हमारी क्रांति हमेशा हो रहेगा। और आप सब कोई बोले हमारे विचारों में जो क्रांति है, बंदूक के आगे कुछ नहीं, हमारे विचार में वो क्रांति है, हम कुछ भी कर सकते हैं, बस फर्क इतना है हम जितने क्रांतिकारी साथी एकजुट होने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही, जिस दिन एक हो जाएंगे ना उस दिन बताएंगे हम बंदूक से ज्यादा हमारे विचार कितने ताकतवर के साथ लड़, बस इतना कहते होते।